हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है ट्यूसडे, अभी से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के बज रहे हैं 9:15। अभी न्यानी आई है, नीव को लेकर नीचे गई है। नीव ना आजकल 6:30 बजे के बीच में उठ जाता है, मतलब कुछ भी हो जाए वो उस टाइम पे उठेगा ही उठेगा। तो सुबह का जो ये 3 घंटा होता है जब तक न्यानी नहीं आती है ना, इतना वो मस्ती करता है ना, उसके साथ हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं कि मैं सोचती हूँ कि व्लॉग स्टार्ट करूंगी, पर कुछ ना कुछ लगा रहता है। उसके बाद जब उसको नीचे लेकर के न्यानी जाती है, फिर मैं व्लॉग अपना स्टार्ट कर पाती हूँ। नीव बहुत मस्ती खोर हो गया है, मतलब मैं क्या ही बोलूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ना वो चलना स्टार्ट कर देगा, पता नहीं, लेकिन ना ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि क्या करता है ना, पकड़ लेता है किसी भी चीज को, सोफा हो गया, कुछ भी हो गया, बहुत स्पीड में ना पकड़ के चलता है। आज किचन में मैंने देखिए ऊपर ना प्योर व्हाइट लाइट ऑन किया है। जनरली मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो है थोड़ा सा ऑफ व्हाइट ऑन करती हूँ। तो ऊपर में ना मेरे पास ऐसे वाले लाइट लगे हुए हैं जिसका कलर आप चेंज कर सकते हो, तो 3-4 मोड पे चेंज कर सकते हो। ऐसे रेड ब्लू ग्रीन नहीं, पर व्हाइट हो गया, ऑफ व्हाइट हो गया, और उसके बाद येल्लो हो गया। तो मैं हमेशा ना ऑफ व्हाइट रखती हूँ तो अच्छा दिखता है। आज मैंने पूरा व्हाइट कर दिया है एंड फॉर अ चेंज ना अच्छा लग रहा है, मतलब इतनी ब्राइट लाइट आ रही है ना। तो ये आप लोग भी कर सकते हो, अगर आप लोग अभी घर बनवा रहे हो, इंटीरियर कर रहे हो ना, कि ऐसा कुछ लाइट दो जो सिर्फ और सिर्फ सीलिंग को हाईलाइट करेगा। क्योंकि सीलिंग पे जाएगा ना तो व्हाइट सीलिंग रहेगी, उसमें रिफ्लेक्ट करेगा, ओवरऑल लाइट आप देखोगे आपके रूम में या किचन में बड़ी अच्छी आती है। लंच में क्या बनेगा वो कुक के लिए निकाल करके एकदम दे देती हूँ। मैं ना सब कुछ निकाल के रखती हूँ कि दाल इतना ही बनाना है, राइस इतना ही बनाना है, क्योंकि ना बहुत ज्यादा बना देती है। अगर जिस दिन भी आप नहीं निकालिए ना, मान लीजिए मैं किसी काम में हूँ, मैं उसको बस मुंह से बोल दूं कि सोयाबीन बना ले, तो फिर वो इतना बना लेगी कि 5 लोग खा सकते हैं, तो उसको ये पोर्शन नहीं आता है कंट्रोल करने के लिए। और मैं सोयाबीन बनवा रही हूँ आज, और सोयाबीन में ना मिनी चंक्स बनाती हूँ। इसमें ना एक बड़ा वाला भी आता है, एक मिनी वाला आता है, कभी मिनी वाला ट्राई करेगा, छोटे छोटे दाने रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जो फिश बोल है ना, ये मैं यहाँ नीचे में रखती थी, पर ना नीव तब यहाँ पे खड़े हो जाता है, और एक दिन तो मैं क्या बताऊँ, थोड़ी देर होती थी तो वो पूरा बोल नीचे गिरा देता, क्योंकि उसके अंदर उसने हाथ डाल दिया था ऑलमोस्ट। फिर मैं समझ गई कि सही टाइम आ गया है, तो मैंने उठा करके अभी ऊपर में कर दिया है। और ये वाला जो एरिया है इसमें भी इसे बुक्स डाल दिए। इसको गिराएगा अभी तो कोई टेंशन नहीं है, पर ये अगर गिरता ना तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो अभी टाइम आ गया है कि हर एक चीज को ना, और भी अगर नीचे में है तो उसको ऊपर रख दिया जाए। ये देखिए मेरे पास क्या है, ये 2 बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मंदिरों का प्रसाद है जो मुझे लकीली घर बैठे मिला है, एंड बहुत ही ज्यादा मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे मिला है। ये 2 मंदिर का प्रसाद है। तो ये जो आप देख रहे हो ड्राई वाला प्रसाद, ये वाला है गोल्डन टेम्पल का, अमृतसर का प्रसाद। और ये जो मिश्री आप देख रहे हो ना, ये है माता वैष्णो देवी का प्रसाद। इसी मंथ तिरुपति गई तो तिरुपति का प्रसाद मिला, और इसी मंथ देखिए मुझे माता वैष्णो देवी का एंड गोल्डन टेम्पल का दोनों का प्रसाद मिला। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि जो जुलाई का महीना गया है बड़ा अच्छा गया है मेरे लिए। जो कवर है ना नीव के हाई चेयर का, ये ना मैं वॉशिंग मशीन में वॉश कर देती हूँ। देखिए इतने टाइम से वॉश कर रही हूँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आई है। आप ना इसको हाथ से भी वाइप कर सकते हो अगर बहुत गंदा नहीं है, और वॉशिंग मशीन में भी धो सकते हो। तो मैं हफ्ते में 2 बार धो देती हूँ। और मुझे क्वेश्चन भी आता है कि क्या काम में आता है हाई चेयर, देखिए बिल्कुल काम में आता है। अगर आप बच्चे को उसमें बिठा करके खिलाओगे ना, तो फिर आप बच जाओगे उस प्रॉब्लम से जो होता है जब बच्चे दौड़ दौड़ के भाग भाग के खाते हैं। लव लैब का ये बेबी हाई चेयर बहुत ही ज्यादा मेरे काम में आता है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आप इसे इजिली क्लीन कर सकते हो। तो आप जो ये देख रहे हो कवर जो है, वो आप इजिली मशीन में वॉश कर सकते हो या फिर अच्छे से इसको वाइप भी कर सकते हो। इसे निकालना बहुत ही आसान है, बस ये क्लिप किया हुआ है तो उसे निकाल लिए और वॉश करिए, और कुर्सी को अच्छे से वाइप भी कर सकते हैं आप। दिखने में डिजाइन भी इसका प्यारा है, क्वालिटी भी अच्छी है। इतने टाइम से मैं यूज कर रही हूँ पर बिल्कुल भी देखिए ये फटा नहीं है या कोई भी दिक्कत नहीं आई है। इसमें जो ट्रे है वो देखिए रिमूव हो जाता है, और इसका जो ब्लू वाला पार्ट है उसको भी आप निकाल सकते हो, ताकि आप उसको नल के नीचे अच्छे से वॉश कर दो और फिर ये व्हाइट वाले पार्ट को भी अच्छे से पोंछ दो। तो इसको रिमूव करना भी बहुत आसान है। साइज ऑफ ट्रे भी मुझे अच्छा लगता है, आप आराम से प्लेट सब कुछ रख सकते हो। हाइट आप इस हाई चेयर का एडजस्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 से लेकर 6 तक, तो जैसा भी आपको हाइट चाहिए। और यहाँ पे व्हील्स है तो आप इसको आराम से किसी भी रूम में लेके जा सकते हो। और अगर आपको मूव नहीं करना है तो यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम भी दी गई है, जिससे कि आप इन व्हील्स को लॉक कर सकते हो। अगर आपको लेना है लव लैब का ये हाई चेयर, तो मैंने लिंक आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप खुद के लिए परचेस कर सकते हैं। लव लैब के प्रोडक्ट्स आपको पता है नीव के लिए मैं कितना यूज करती हूँ और कितने टाइम से यूज करती आ रही हूँ। अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर है तो आपको पता होगा कि क्वालिटी टॉप नॉच होती है। तो इसमें अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप आंख बंद करके कर सकते हैं, कि आपके काम में जरूर आएगा। और ये देखिए क्या मंगवाया है, ये मंगवाया है नीव के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन। एक्चुअली ये ना आपको लगाना रहता है जहां भी लंबा एरिया है ना वहां के लिए। एक तो आता है देखिए कॉर्नर में लगाने के लिए, जैसे आप देखोगे तो मैंने, हाँ यहाँ पे,
तो ये कॉर्नर वाला लगाया है ताकि अगर बच्चे यहाँ पे खड़े हो तो उनको इस कॉर्नर से चोट ना हो, तो ये तो है ही है ज़रूरी। लेकिन आपको अगर लंबा सा लगाना हो, जैसे ये पूरा टेबल पे लंबा लगाना हो या कहीं पे भी लगाना हो, तो उसके लिए आपको ये अच्छा रहेगा। आप अपने हिसाब से साइज़ इसका देख सकते हो, मतलब कट कर सकते हो। एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी पर्टिकुलरली इस वाले कंपनी से जहाँ से हमने मंगाया है, वो ये है कि जो आप 3M टेप देख रहे हो ना, ये उन्होंने चिपका के नहीं दिया था, बस टेप अलग से दे दिया था। तो हमने बैठ करके ये पूरा में ये टेप लगाया है। तो यहाँ पे देखो आप झूले पे एक साइड हमने लगा दिया, अंगद को बोला था लगा दो, थोड़ा सा साइज का इशू आ गया तो बीच में देखो आप उसको रफू करना पड़ा है, पर ठीक है। तो ये झूले में क्या होता है, यहाँ से वो खेलता है, इधर घुसता है, उठने की कोशिश करता है तो चोट लग जाएगा। ये नीचे से आया दीदी के साथ खेल के, उसके बाद ना आने के बाद 15-20 मिनट में सो जाता है। पर अब इसकी आएगी मसाज वाली आंटी तो उसको उठाना पड़ेगा। नीवू अभी इसको बिल्कुल उठने का मन नहीं करता है। अभी अगर मैं इसको सोने छोड़ दूँ ना तो मुझे लगता है 1 घंटा और सो जाएगा, पर उसकी आंटी भी आएगी और फिर दोपहर की भी नींद खराब हो जाती है। नीवू नीवू उठो, आंटी आएगी, विद्या आंटी आएगी, उठ जा उठ जा। देखिए उठ गया नीवू, गुड आफ्टरनून, 12 बज रहे हैं एक्चुअली, गुड आफ्टरनून। अच्छी नींद आई, अच्छी नींद आई, एकदम इसको मन नहीं करता है अभी उठने का, 1 बजे तक सो सकता है मुझे लग रहा है। जैसे नहाना हुआ टाटा करना स्टार्ट, टाटा करके दिखाओ आंटी को, कैसे कहता है टाटा 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 टाटा। अच्छा विद्या ये बताओ किधर किधर में तुम जाता है मसाज करने, इलेक्ट्रॉनिक सिटी से कितना डिस्टेंस में तुम जा सकता है? 2 किलोमीटर ना टिकट इलेक्ट्रॉनिक सिटी से, तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी से आसपास 2 किलोमीटर में जो लोग रहते हैं वो ले सकते हैं ना। तो बेबी का मसाज, मदर मसाज, मदर का मसाज, दो चीज़। मैं नंबर ना स्क्रीन पे डाल दूंगी, पिछली बार ना मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला था तो बहुत लोगों को पता नहीं चला, मैं स्क्रीन पे डालूंगी, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे साथ कितना 11 महीना होने को आया, नहीं अभी हमारा 11 महीना हो जाएगा तब से नीबू का मसाज, नीबू के मम्मा का मसाज आंटी कर रही है और आंटी नीबू की फेवरेट है। तो आप लोग कॉल करिए, अरे देखो जाओ जाओ बोल रहा है, जाओ जाओ नीबू, ऐसे नहीं ऐसे बाय करते ऐसे देखो। अच्छा हाई फाइव करके दिखाओ, हाई फाइव हाई फाइव ऐसे करता, हाई फाइव हाई फाइव आंटी को, हाई फाइव हाई फाइव, वेरी गुड। और हैंडशेक, हैंडशेक कैसे करता, हैंडशेक वेरी गुड, कैसे बोलता, बाय बाय जा, बाय 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 बाय, ठीक है हाँ ठीक है। तो कॉल करना आप लोगों को अगर बेबी मसाज मदर मसाज चाहिए, तो मैं तो फुल ऑन थम्स अप बोलती हूँ, बेस्ट। ओसा रोड पे साबा अपार्टमेंट है ना, हाँ गोइंग होसा रोड पे, ठीक है। तो उसके आसपास के लोग फोन करके आप बात कर लेना, ठीक है, चलो बाय। आलू सोयाबीन की सब्जी, हमारे घर ना अब सब्जी में हम लोग तीखा नहीं डलवाते हैं, क्योंकि नींबू भी वो सब्जी खाता है, नींबू भी वो दाल खाता है, तो तीखा बिल्कुल नहीं रहता। टेस्टी है नींबू, टेस्टी है, टेस्टी तो है, रोटी तो फेवरेट है नींबू का, बहुत फेवरेट है, बहुत अच्छा है। हाँ सब्जी सब्जी खा ले खा ले, देखो सब्जी आलू, आलू वाव बहुत टेस्टी है, आलू है बहुत टेस्टी है, अच्छा है। कैसे मुंह बनाएगा देखिए, कभी पता नहीं चलेगा उसको अच्छा लग रहा है या खराब, क्योंकि सेम एक्सप्रेशन आएगा खाना खाने के बाद। आलू दे, देखो बोल रहा है आलू दे, दे तो रही है आलू, खा ले आलू है बाबू, देखो आलू आलू, गुड बॉय। 2 दिनों से अंगद के दांत में दर्द है, क्योंकि अंगद शायद से अब से क्या बोलते हैं विजडम को हिंदी में, क्या बोलेंगे अंगद, मैं गुजराती से क्या ही हिंदी पूछ रही हूँ, बुद्धि बुद्धि दांत बक जो भी बोलते हैं, पर मुझे लग रहा है अंगद के हाँ विजडम टूथ इसको आ रहा है ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं, इसलिए दांत में बहुत पेन है। तो फाइनली आज इसको ऐसे करके मुझे वो कोलगेट का एड याद तो इसको मैं धक्के मार के डेंटिस्ट के पास भेज रही हूँ दोस्तों, ये लड़का अपॉइंटमेंट नहीं ले रहा था, काम है बहुत काम है, बिजी हूँ मीटिंग हूँ, मैंने कहा यार टाइम निकालो हेल्थ के लिए अंगद, सारे आईटी प्रोफेशनल का यही हाल है। I don't like dentists. तो किसी को नहीं पसंद है भाई डेंटिस्ट के पास जाना, लेकिन मैं तो कहती हूँ डेंटिस्ट पुलिस और वकील से दूर ही रहो। मैं दूर रहूंगा तो क्या होगा फिर तुम्हारा। तो फाइनली अंगद जा रहे हैं, 3 बजे का ना अपॉइंटमेंट है, तो एक तो स्केलिंग करा लेगा, जब भी डेंटिस्ट के पास जाइए स्केलिंग तो करा ही दीजिए 6 महीने में एक बार या फिर चलो साल में एक बार, और अगर अंगद उसने बोला कि ये दांत उखाड़ना पड़ेगा, आया नहीं है ना पर विजडम टूथ दिख नहीं रहा है पर पेन है, पेन है,
तो बहुत ही लेट आया तुमको दोस्त, मेरे ख्याल से मुझे पहले आ चुका है तुमसे, मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ। That does not define कि कौन कितना समझदार। तो तुम ये बोलना चाहते हो मैं नहीं हूँ? नहीं। तो मैं तुमसे ज्यादा हूँ। तुम मुझसे ज्यादा हो? Yes। कौन बोल रहा है तुमको? ये मैं बोल रहा हूँ। पंडित जी ने क्या बोला था कुंडली देख के? क्या? मुझे बोला था आप बहुत समझदार है, अंगद जी एकदम समझदार नहीं है। जो नहीं होता है उसको फुसलाने के लिए बोलना पड़ता है। पिंकू चाहिए कि सिल्वर? वही चाहिए, दोनों ही नहीं चाहिए, बस गिराना है। आजकल नींबू का नया हॉबी है चीजों को गिराना, उठाएगा और गिरा देगा। He does not like organized things. नहीं बिल्कुल, हम दोनों का नेचर है अंगद चीजों को ऑर्गेनाइज करना। हमारा बेटा उठा उठा के फेंक रहा है चीजों को, नहीं चाहिए। बास्केट में आप रख दो सामान, एक सेकेंड लगेगा सामान गिरा देगा। बास्केट पे भी नहीं, ऊपर बस टेबल पे, कॉफी टेबल पे रखो, उसको ऊपर नहीं जमता, सब कुछ जमीन पे होना चाहिए। नींबू पापा जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास, ऑल द बेस्ट बोलो। बोलो, मैं अंगद बोलो। मैं भी अंगद को डरा रही थी कुछ देर पहले, क्या होगा अंगद कहीं रूट कैनाल ना बोले। पता है मैंने कितना रूट कैनाल कराया आपको अंगद बताएगा। अंगद कितना कराया था? 13 या 14। यस यस, इन वन डे ना, इन टू डेज बैक टू बैक, सोचो। तो जिसने 14 रूट कैनाल कराया है वो तुम जैसे बच्चों के सामने, तो मुझे हंसी आ रही है। क्या करवा रहा है? थोड़ा सा पेन हो रहा है। अरे तुमने पूरा सी सेक्शन करवाया, इतना बड़ा बच्चा निकाला। एक पर अभी अंगद ने गूगल किया, गूगल किया तो पता चला कि 30 साल से ऊपर वालों को नहीं आता है विजडम टूथ, बहुत अनयूजुअल होता है। तो अगर आया तो बहुत अनयूजुअल होगा, और अगर नहीं आया तो और घबराने की बात है कि कुछ और मैटर है। चलो तुम पापा को रेडी होने दो, मेरे पास आओ, ये ले लो। चलो लो सिल्वर। हाँ आप लोग इसको पहचानते हो? सॉरी, पुराने सब्सक्राइबर पहचानते होंगे सिल्वर को। सिल्वर कौन है? नहीं वो सिल्वर है, इसको तो बाल खाना रहता है इसका, इसलिए मैं नहीं देती हूँ, उसका बाल चबा जाता है पूरा। प्यारू करते सिल्वर को, प्यारू करते। हाँ वेरी गुड, प्यारू करते। ये कैसा प्यारू था ये? हाय सिल्वर, अच्छे से प्यारू करते। हाँ वेरी गुड, इसको सिखा रहा है प्यारू करने के लिए, ऐसे ऐसे कर देता है ऐसे ऐसे। नीबू सिल्वर, नीबू सिल्वर, नीबू सिल्वर। सिल्वर है, सिल्वर के बाल देखो कितने बड़े हैं। Like a diamond in the sky. अब देख रहे हो टाइम पास कैसा कर रहा है अंगद, क्योंकि उसको नहीं जाना है डेंटिस्ट के पास, तो कैसे टाइम पास कर रहा है। तैयार हो के बैठ गया नीबू के साथ खेल। अंगद जाना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट डिनाई, थोड़ा बच्चे के साथ खेल। हाँ हाँ वो तो जरूरी है ना भाई, वो तो करना ही, अपॉइंटमेंट भले मिस हो जाए, खेल लो। तो अंगद गया डेंटिस्ट के पास, वहां से मुझे भी फोन करता है, पता है क्या बताता है? हम लोग मजाक बना रहे थे ना कि अंगद को विजडम टूथ आया ही नहीं है, तो लगता है ये विजडम टूथ आ रहा है, उसका पेन है, इतनी लेट कैसे आ रहा है। और मैं ऐसी उसका मजाक बहुत बार मैं बना चुकी हूँ, तुमको तो विजडम टूथ ही नहीं आया, क्योंकि इसको भी पता नहीं था कि इसका विजडम टूथ आया है कि नहीं आया है। अभी जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बोलती है तुम्हारे चारों विजडम टूथ आ चुके हैं। अब जस्ट इमेजिन कि किसी आदमी के चारों विजडम टूथ आ चुके हैं पर उसको खुद ही नहीं पता कि कब आए। जनरली उसमें पेन होता है तो लोगों को पता चलता है, अब इसको पेन वेन हुआ नहीं होगा, कब आया है उसको कुछ नहीं पता। और ये डॉक्टर को जाके बोला डॉक्टर मुझे लग रहा है मेरे विजडम टूथ आ रहे, पेन हो रहा है। डॉक्टर बोलती है आपके आ चुके हैं, एक नहीं दो नहीं चारों के चारों आ चुके हैं। तो ये पेन क्यों हो रहा है? बेसिकली पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो विजडम टूथ है ना वो एक जो है वो बहुत ही नर्व्स के पास में है, तो वो नर्व्स को पोक कर रहा है इसलिए पेन हो रहा है। तो उसने बोला कि मैं कोई पेन किलर वगैरह अभी दूंगी नहीं, अभी जो पेन है आपका बियर पेन अभी देखो गर्म पानी नमक वगैरह से करके देखो, बहुत पेन होगा बहुत डिफिकल्ट होगा तो फिर इसका एक ही उपाय है कि वो टूथ निकालना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट कर दूंगी फ्यूचर में, फिलहाल के लिए बर्दाश्त करो। चलिए यहां तक तो कहानी ठीक थी, फिर स्केलिंग करवा लिया उसने, साफ करवा लिया दांत, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई है, अब डेंटिस्ट के पास जाइए ना तो कुछ ना कुछ निकल जाता है। अंगद को निकल गया पता है क्या, जो मैं मजाक बना रही थी उसका रूट कैनाल। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी कि जाओ ना तुम्हारा रूट कैनाल होगा, तुम्हारा दर्द कर रहा है, तो उस तरफ में नहीं दूसरे तरफ में कोई एक दांत है उसका जो उसको खुद भी अभी पेन नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, बट इट सीम्स उसमें कुछ प्रॉब्लम जो है वो हो रहा है, जिसको अगर ट्रीट नहीं किया गया तो वो दांत जो है वो गिर जाएगा, टूट जाएगा कुछ। तो उन्होंने बोला आपका वो दांत में रूट कैनाल होकर के हम कैप लगाएंगे और ये आपको जल्दी करवाना पड़ेगा वरना वो दांत आपका और खराब हाल में हो जाएगा। तो बेसिकली जो मजाक कर रहे थे वो रूट कैनाल उसका होना है। अब रूट कैनाल के नाम से ही अंगद तो डर चुका है क्योंकि मैंने करवाया है तो उसको पता है पेनफुल तो होता ही है।
अभी उसने बोला कि मैं क्या करूँ, मुझे फोन किया कि मैं करवा लूँ, तो मैंने कहा नहीं नहीं भाई अभी ऐसे मत कराओ, प्लान वे में करवाएंगे क्योंकि तुम्हें ऑफिस भी जाना है, उसको परसों ऑफिस जाना है, तो ऐसे नहीं करते हैं, कर लेंगे अभी फिलहाल क्लीनिंग करवा लो और प्लान करती हूँ, क्योंकि मैं भी साथ में जाऊंगी, ऐसे नहीं कि अकेले भेज दूंगी, तो फिर कुछ प्लान करके साथ में जाती हूँ मैं, देखती हूँ करवाऊंगी। बजाओ ना, तो क्या होगा, जाओ एक बार, पूछने में क्या जाता है, दोनों दोनों पूछने में क्या है, वो खाली है शायद, ये वाला खाली है, ये वाला हमारे ना, तो क्लियर हो जाएगा तो नीचे भी चले जाएंगे। देखो देखो देखो, अभी ना हमारे घर में ना पिछले 2 हफ्ते से ना एक साउंड आ रही है इस एरिया से, पता नहीं आपको वीडियो में आ रहा है कि नहीं, और हम लोग इतना परेशान हो गए उस साउंड से, शायद इस घर से आ रहा है या इस घर से आ रहा है, तो वही अंगद जाकर चेक कर रहा है, अगर बेल बजा के पूछने को मैं बोल रही हूँ कि क्या आवाज़ आ रहा है, पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, शायद नहीं आएगी क्योंकि कंस्ट्रक्शन का भी साउंड आ रहा है, पर ना एक अजीब टाइप का साउंड है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर घर में इन्वर्टर हो और इन्वर्टर अगर आपका डिस्चार्ज हो जाए तो कैसा साउंड आएगा, वो कांस्टेंट नॉइज आता रहता है और काफी दिनों से आ रहा था, हमने सोसाइटी ग्रुप में भी बात करी तो वहां पर भी किसी को पता नहीं कि किसके घर से आ रहा है, तो वही यहाँ पे क्रॉस करके अंदर देख रहा है तो ऐसा लग रहा है कि हमारे घर के बाजू वाले घर से आ रहा है, तो मैं बोल रही हूँ जाके बेल बजा के एक बार पूछ लो कि क्या कुछ ऐसा डिवाइस है आपके घर में जिससे साउंड आ रहा है, तो वो बता देंगे, क्योंकि बहुत इरिटेटिंग साउंड है, पता इतना है, लिविंग डाइनिंग किचन हर जगह वो साउंड आता है, तो वो देखने के लिए गया। एनीवेज अंगद आ गया डेंटिस्ट के पास, नीव अभी सो रहा है, तो मैंने आपसे बात नहीं करवाई, तो उसका जो है क्लीनिंग वगैरह तो कर दिया, अभी रूट कैनाल का उसको थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, और विजडम टूथ की तो बात ही छोड़ दीजिए, मतलब वो टूथ तो आया है पर ऐसे कंडीशन में वो टूथ आया है ना, इस वजह से हमें पता नहीं चल रहा था कि दांत आया कि नहीं आया, मैं आपको अंगद से पूछवाऊंगी। कर रहे हो वहां ऊपर, ऊपर क्या कर रहे हो, ऊपर आ रहा है कम है, लोग जब दांत साफ करवा के आते हैं ना, देखिए ऐसे ही स्टाइल मारते हैं ये कोई शो ऑफ करने की चीज थोड़ी है पर अंगद तुम्हारे दांत हैं बड़े अच्छे, छोटे 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 है ना, इधर में जो है लेफ्ट हैंड में जो विजडम टूथ है वो 80-90% गम्स के अंदर है, तो इतना सा कहीं पे कोना में वो मिरर लगा के देखती है दिखता तो है, कैसे चलेगा पता, कि मेरे को उसमें नहीं पता चल रहा है, और इधर वाला जो है नीचे का वो तो 100% गम्स के अंदर है और वो लेटा हुआ है, यूजुअली ऐसे स्टैंडिंग टीथ रहते हैं ना, तो इधर वाला लेटा हुआ अच्छा, है। अच्छा चार है ना, पर तो ये तो दो हुए, बाकी दो, बाकी दो ऊपर दिख रहे हैं, तो वो नहीं उसका बताओ ना, तो वो कैसे तुमको नहीं वो पता, तो नॉर्मल जो मोलर टीथ लगते हैं वैसे ही लगेंगे ना, बेसिकली कैसे पता चलेगा, मैं इसको इतना चिढ़ा रही हूँ जब से इसने बताया कि पता कैसे नहीं चला कि कब आया विजडम टूथ, आई डोंट हैव दैट मच ऑफ विजडम साढ़े 5 बज गया, नीव अभी तक सो रहा है, लेट सोया ना तो अंगद उठा रहा है, क्योंकि अभी नहीं उठेगा तो फिर अगेन रात में दिक्कत होगी उठ गया नहीं हंसते हुए उठाए, वेरी गुड, देखो पापा आ गए, उस टाइम तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम चले गए थे डेंटिस्ट के पास, कहाँ गए पापा, थोड़ा सा नीबू में एक चीज की इम्प्रूवमेंट आई है, हर वक्त नहीं होता है वैसा, पर कभी कभी हो रहा है अब तो, कि नीबू ऐसे ही सो जाता है, तो पहले जो हमारी थी ना कंप्लेन की नींबू को पूरा हाथ में लेके सुलाना पड़ता है, अब नींबू ऐसे कंधा टिका के भी सो जाता है, तो ये थोड़ा रिलीफ हुआ, पर रात में नहीं, अभी भी जो रात में सोता है वो नहीं, पर हाँ दिन में जो नैप लेता है ना, बस शैतानी बस उठता है और चालू शैतानी, नींबू गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नींबू, अब देखो तो जो दांत अंगद बोल रहा था ना कि नीचे गिरा हुआ है, बिल्कुल लेटा हुआ है, 1 सेकेंड, हाँ अब देखिए ये वो वाला दांत है, माय गॉड अंगद कम्प्लीटली लेटा हुआ है, मतलब दांतों में इसको बोलेंगे आलसी दांत, जिसने बोला भाई मैं लेट जाता हूँ। बाहर का मौसम देख के पता चल रहा होगा आप लोगों को, बहुत जोर की ऐसी लग रही है बारिश आने वाली, कैसा काला सा बादल आ गया है इधर, तो चलिए ग्लास की वजह से उतना पता नहीं चल रहा है, पर यहाँ से आपको पता चलेगा, ये देखिए एक्चुअली अभी ना 2-3 दिनों से बारिश हुई नहीं है, तो होगी तो चलिए ठीक ही है, पर बड़ा अच्छा मौसम हो गया है। अंगद को खाने का मन है मैगी, तो अंगद के लिए मैगी बन रहा है, तो मैं अपने लिए भी बना रही हूँ, और इसमें ना चीज़ डाल दूंगी, तो चीज़ मैगी उसको बड़ा अच्छा लगता है। कौन बच्चा है भाई, इतना लेट सो के उठा ना, आज इसका पूरा रूटीन गड़बड़ हो गया। आज क्या हुआ, दोपहर में मैंने तो सुलाने का ट्राई किया तो नहीं सोया, उठ गया, तो मैंने भी कहा चलो कोई नहीं खेलने देते हैं, तो दीदी के साथ खेलने लग गया, पर उसको नींद तो आने लगी, तो फिर क्रैंकी हो गया, तो फिर सुलाया, पता है कितने बजे सोया है, 4 बजे सोया है, और फिर उठा है 5:30 बजे के आसपास में, तो अब तो शाम को दीदी के साथ जाता है जो, वो तो गया नहीं,
तभी अंगद के साथ जाएगा बाहर, है ना। तो दीदी अभी जा रही थी तो मैंने कहा टाटा करो नींबू, तो उसको लगा रहे मैं किसी नहीं बाहर जा रहा हूँ, तो बस चालू हो गया मुझे ले गोदी, बाय बाय। उसको चाबी चाहिए, बाय बाय तो बोला पर रो रो के बोला क्योंकि उसको घर की चाबी चाहिए। पता नहीं इसको क्या मजा आता, और एक दिन ना अंगद तुम्हारा ये चाबी जो है खराब होने वाला देता हूं उसके बेल्ट में। ये जो है ना लूप उसमें फंस जाता। टाटा अब जाएगा पापा के साथ में, इसमें घूमेगा। मामा को बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। नीचे ला गया अंगद के साथ में नीचे खेलने के लिए। ओ माय गॉड, मुझे ये साउंड इतना बॉदर कर रहा है ना, पता नहीं आपको वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पर मुझे कांस्टेंट आ रहा है। और एक बार जब आपका ध्यान चला जाना है किसी साउंड की तरफ में तो आपका ध्यान हटता नहीं है। और मैंने सारा खिड़की वगैरह भी बंद कर दिया था, यूपीवीसी वगैरह क्लोज कर दिया, पर साउंड नहीं जा रहा है। तो जो एक घर है जो हमें लग रहा है वहां से आ रहा है, पर अभी वहां पे कोई है नहीं, ऑफिस गए हैं। तो 9-10 बजे रात को भी हम लोग जाके बात करेंगे कि भैया आप ऑफिस चले जाते हो फिर क्या ऑन रख देते हो कि इतनी आवाज आ रही होती है, तो वो चेक करेंगे। अभी वहां से भी नहीं आ रही है तो फिर पता नहीं कहां से आ रही है। एनीवेज जो भी, मेरी है एक मीटिंग एक्चुअली 6:30 बजे के आसपास में, 6:15 अभी हो गए, तो उस हिसाब से अंगद नींव को बाहर लेके चला गया है। 40-45 मिनट्स की मेरी मीटिंग है जो कि होगी ऑनलाइन, और मुझे ना ये बहुत बोर मारता है। मुझे ना फोन पे बात करना, किसी से मीटिंग करना, फेस टू फेस भी मीटिंग करना, मुझे ये बहुत बोर मारता है। मेरा है कि भाई काम जो है मेल में लिख दो, व्हाट्सएप में लिख दो, मैं काम खत्म कर दूं। पर वो जो होता है ना कि आओ बात करते हैं, मिलते हैं, समझते हैं, मुझे वो बहुत, किन के साथ में ऐसा होता है बताइए। एंड आई एम सो थैंकफुल कि मैं कोई ऐसे प्रोफेशन में नहीं हूं जहां पे मुझे रोज मीटिंग करनी पड़े। लाइक अंगद मैं उसको बोलती हूँ भाई तुम्हारी तरह मुझे रोज मीटिंग करना पड़ता ना तो मुझे तो बहुत बोरियत होती। जो कुछ लोग होते हैं उनको इतनी अच्छा लगता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट आती है कि ठीक है बात हो गई सामने सामने, मुझे लगता है कि जो भी है रिक्वायरमेंट भैया बता दो मैं समझ जाऊंगी और कुछ ना कुछ वर्कआउट हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है, कभी ना कभी तो महीने में एक दो बार तो मेरी मीटिंग कहीं ना कहीं हो ही जाती है। तो आज वो दिन है, तो फटाफट मैं बैठती हूँ सेटअप लेकर के, एक घंटे तक अंगद नीचे वैसे ही खेलता रहेगा नींबू के साथ, तो मेरा काम हो जाएगा। फिलहाल चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।